नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 18 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कोसी नहर परियोजना की 7 योजनाओं का हुआ शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों मधुबनी दौरे पर हैं, जहां जिले के बरियारवा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने 64.43 करोड़ रुपए की कोसी नहर परियोजना की 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से कोसी नदी के आसपास रहने वालों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। राज्य सरकार कमला तटबंध को मजबूत बनाकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह भविष्य में क्षतिग्रस्त न हो और बाढ़ का दीर्घकालिक हल निकले। 1.5 लाख लोगों के नाम 2-2 बार है मतदाता सूची में। चुनाव से पहले मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा सूची की जांच पड़ताल करवाने पर कई अलग अलग तरह की गलतियां सामने आई है। जारी की गई सूची में राज्य में 1,66,275 ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल है जिनके नाम मतदाता सूची में 2-2 बार दर्ज किए गए हैं। SSC परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रहा बिहार से। SSC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के परिणाम की घोषणा की है, जिसमें बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव के कौशिक राज ने SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2017 में उत्तीर्ण स्थान प्राप्त कर बिहार ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर पहले पायदान पर आए हैं। कौशिक की सफलता से पूरे परिवार में खुशी की लहर है, साथ ही साथ पूरा जिला कौशिक की इस उपलब्धि से गर्व महसूस कर रहा है। अब आइए हम जानते हैं बिहार की जानी मानी अदाकारा के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रतन राजपूत की, जिन्होंने टीवी के दुनिया में काम करके अपने नाम के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। रतन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। रतन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी बिहार से ही की थी, जिसके बाद रतन अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई। रतन ने अपनी प्रतिभा कई सीरियल्स में दिखाई है, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, अगले जन्म मुहे बेटिया ही दीजो, दिल से दिया वचन, महाभारत जैसे डेली सोप्स में काम कर चुकी है। इसके अलावा रतन रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 7 का भी हिस्सा रही है। रतन चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने अपना स्वयंवर रचा था। रतन ने अपने टीवी के करियर में कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। देश का सबसे सुपरफास्ट ट्रेन मधेपुरा में बनकर है तैयार। नई ट्विन टेक्निक के साथ मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में दूसरा सबसे शक्तिशाली इंजन निकाल दिया गया है। बनाए गए इस इंजन की क्षमता 12,000 हॉर्स पावर जितनी है। 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता रखने वाले इस इंजन को मधेपुरा से सहारनपुर लेकर जाया जाएगा, जहां पर RDSO के विशेषज्ञ इंजन की टेस्टिंग करेंगे। अगर इंजन टेस्टिंग में पास हो गया तो इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को खींचने के लिए लगाया जाएगा। रेलवे ने निकाले 4,000 से ज्यादा पदों पर रिक्तियां। साउदर्न रेलवे ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कुल 4,000 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। यह भर्ती 12 अलग अलग ट्रेडों यानी कि AC मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पेंटर, वेल्डर, MMW, MMTM, मशीनिस्ट ट्रेड्स में होंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन पदों पर भर्ती के लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं ली जाएगी। नियुक्तियां 10वीं पास में मार्क्स के अनुसार होगी। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो परीक्षा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास NCVT या SCVT संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उतारी अपनी टीम। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर भाजपा ने झारखंड में अपनी टीम मैदान में उतार दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव झारखंड में सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। नंदकिशोर यादव ने ही झारखंड में भाजपा के लिए चुनावी रण तैयार करने में जुट गए हैं। ज्ञात हो इस बार भाजपा झारखंड में चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ने जा रही है। अब बिजली का उत्पादन कर सकेंगे किसान भी। किसानों के उत्थान के लिए सरकार जल्द ही कुसुम नामक एक नई योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत देश के सभी किसान बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे कि उन्हें बिजली के लिए किसी भी बिजली कंपनी पर निर्भर नहीं करना होगा। इतना ही नहीं, किसानों द्वारा उत्पन्न की गई बिजली की खरीदारी केंद्र सरकार खुद करेगी। इस बाबत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि किसी भी किसान ने अगर अपनी खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा उत्पन्न की तो उनसे बिजली सरकार खुद खरीदेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह योजना आने वाले 15-20 दिनों में लागू कर दी जाएगी। मेरे अंदर CM बनने की काबिलियत नहीं, गिरिराज सिंह। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में चल रही राजनीतिक रस्साकसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर आगामी चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो सही ही क्या होगा। मैं कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल सकता और न ही मैं इसके काबिल हूँ।
अब छात्र बीटेक और एमटेक की डिग्री ले सकेंगे एक साथ। ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह जानकारी देते हुए बताया है कि भागलपुर ट्रिपल आईटी के छात्र अब 5 साल में बीटेक और एमटेक दोनों की डिग्री ले सकेंगे। इसके लिए छात्रों को काउंसलिंग के दौरान ड्यूअल कोर्स में नामांकन लेना पड़ेगा। इसकी परीक्षा जुलाई 2020 में शुरू हो जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को करेगा सम्मानित। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के दुनिया को अलविदा कहने के बाद सरकार से लेकर शैक्षणिक संस्थान हर कोई अपने तरीके से उन्हें सम्मानित करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में पटना यूनिवर्सिटी में गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को सम्मानित करने का फैसला लिया है। इस बाबत पटना यूनिवर्सिटी ने वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, वशिष्ठ नारायण सिंह ने कुछ दिन पहले पीएमसीएच में अपनी आखिरी सांस ली थी। IGIMS में अब सस्ते दामों में मिलेंगे बेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से IGIMS में विश्राम सदन का उद्घाटन किया है, जिसमें अब आम नागरिकों को महज 50 रुपए में बेड और 20 रुपए में खाना मुहैया करवाई जाएगी। इस उद्घाटन के पश्चात आम नागरिकों को काफी सहूलियत होगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर राजद ने बनाई अपनी रणनीति। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए राजद एक बार फिर से सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो 10 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सदस्यता अभियान में राजद रणनीति के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने से चूक गया था। यही कारण है कि पार्टी एक बार फिर से सदस्यता अभियान चलाने की योजना बना। राजद का लक्ष्य हर बूथ पर कम से कम 4 सक्रिय सदस्य बनाने का है। ज्ञात हो, राजद में कोई भी सक्रिय सदस्य तभी बन सकता है जब वह कम से कम 25 लोगों को सदस्य बना लेगा। नवादा जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। ककोलत जलप्रपात, नारद संग्रहालय, सूर्य मंदिर हंटिया, इंद्रासल गुफा, बुधोली मंदिर, श्रीगुवात जी तीर्थ जरूर घूमने जाएं। पटना से नवादा जाने वालों के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 3 से 4 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 5 से 5.5 घंटे का सफर करना होगा। पटना से नवादा बाई रोड की दूरी NH 20 से 120.3 किलोमीटर है। गिरिराज सिंह जल्द दे सकते हैं राजनीति से संन्यास। भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह ने अपने संन्यास को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब मेरे जैसे लोगों का राजनीति से रुखसती लेने का समय आ गया है। जिस दिन देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाएगा, उसी दिन मैं राजनीति को त्याग दूंगा। जानिए कितना शुद्ध है आपके शहर का पानी। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पानी की गुणवत्ता की रैंकिंग जारी की है, जिसके तहत राजधानी पटना को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं मुंबई पहले स्थान पर है, यानी कि मुंबई के पानी की गुणवत्ता सबसे सही है। वहीं दिल्ली को आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है। गांधी परिवार से SPG सुरक्षा हटाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। केंद्र सरकार द्वारा गांधी परिवार से SPG सुरक्षा हटाने के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। साथ ही साथ मार्च पर निकले युवा नेताओं की मांग में राफेल मुद्दा भी शामिल है। उनका कहना है कि राफेल मामले में संयुक्त संसदीय समिति में जांच करवाई जाए। आपको बता दें, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में यह मार्च कदमकुआं स्थित कांग्रेस मैदान से निकाला गया था। राजेंद्र सेतु पर बड़े वाहनों की आवाजाही हो सकती है बंद। सेतु पर बढ़ते दबाव को देखते हुए आए दिन पुलों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी जा रही है। इसी क्रम में मोकामा और बेगूसराय के बीच स्थित राजेंद्र सेतु पर 16 टन वजन वाली गाड़ियों के परिचालन पर भी रोक लगाने की खबरें सामने आ रही है। अगर भारी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाई गई तो राजेंद्र सेतु पर सिर्फ 8 से 10 टन वजन वाली गाड़ियों का ही परिचालन को अनुमति मिलेगी। इस बाबत पुल की समीक्षा के लिए टेक्निकल टीम पुल का दौरा करने जल्द ही आएगी। बिहार सरकार 21 ITI संस्थानों का बनाएगी मॉडल। राज्य में रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही बिहार के सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में से 21 को मॉडल तैयार कर विकसित करने की योजना बना रही है। इन सभी 21 ITI प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल बनाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने करार दे दिया है। श्रम संसाधन विभाग का कहना है कि उनकी कोशिश यह है कि ITI से प्रशिक्षण लेने वालों को इस कदर प्रशिक्षित किया जाए कि उन्हें रोजगार खोजने के लिए परेशानी न हो। 2020 तक ग्रामीण सड़कों को बनाने का वादा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने साल 2021 तक सभी ग्रामीण सड़कों को बनाने का वादा किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके तहत 52,000 किलोमीटर की सड़कें बनानी थी, मगर अब मात्र 3400 किलोमीटर सड़कें बननी बाकी है। वहीं हमें दूसरे चरण की स्वीकृति मिल गई है, जिसके पश्चात तीसरे चरण का काम अगले साल से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, 2019 में 233 किलोमीटर पथों के निर्माण में 626 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव।
अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,734 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,834 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.85 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.17 रुपए प्रति लीटर था। रानू मंडल उतरी अब रैंप वॉक करने। रानू मंडल की सोशल मीडिया पर मेकअप वाली तस्वीर लोगों के बीच में काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। इसके बाद अब रानू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रानू मंडल प्रियंका चोपड़ा के फैशन फिल्म के गाने पर रैंप वॉक करती नजर आ रही हैं। रैंप पर आते ही रानू ने प्रशंसकों को वेव किया। रानू का रैंप पर अंदाज चर्चा में बना हुआ है। ड्रोन उड़ाने के बाद अब फोटोग्राफी करते नजर आए गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चाओं का कारण बनते हैं। एक बार फिर गिरिराज सिंह ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट के माध्यम से अपने दो तस्वीरों को शेयर किया है जिसमें वह कैमरा से फोटो लेते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले गिरिराज सिंह ने ड्रोन उड़ाते हुए तस्वीरें साझा की थी। खेसारी लाल का गाना अब सरकारी अनाज पहुंचाने वाली गाड़ियों में भी। खेसारी लाल का बहुत चर्चित गाना ठीक है के तर्ज पर अब सरकारी अनाज गाड़ियों में भी कुछ उसी अंदाज में गाना सुनाई देगा। सभी सरकार अनाज पहुंचाने वाली गाड़ियों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की तरह ही विशेष गाना बजाया जाएगा, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। खाद्य सुरक्षा सफर योजना लाभुक तक पहुंचाएंगे, गेहूं चावल लाएंगे, सब लाभुकों को दिलवाएंगे, ठीक है। कालाबाजारी खत्म करेंगे, पूर्ण पारदर्शिता दिखाएंगे, ठीक है। सबका विश्वास बढ़ाएंगे, गरीबों में आस जगाएंगे। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप और सुबह के वक्त धुंध के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की 25 बड़ी खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।